साथियों, प्रकाश आदिवासी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आए हैं बागेरी नाका बांध। देख सकते हो यहाँ का सुंदर मनमोहक नज़ारा। बागेरी पर चादर चल रही है, करीब 1.5 फीट की चादर है और यहाँ चादर के नीचे, झरने के नीचे नहाने पर बिल्कुल मना है। और देख सकते हैं हमारे साथ में कौन कौन है। देखिए, राजस्थानी सुपरस्टार प्रिया मेवाड़ी जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजस्थानी सुप्रसिद्ध लोक कलाकार प्रियंका मेवाड़ी जी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, तो यहाँ के नज़ारे के बारे में प्रिया जी आपका क्या कहना है? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, रुकिए आप भी आओ देखने। हाँ हाँ, बताइए बताइए। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, आप भी आइए देखिए हमारे बागेरी में कर रहे हैं। आपका तो यह गांव भी है और इतना सुंदर नज़ारा है, जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की वादियाँ भी यहां पे फेल हो जाती हैं। काफ़ी लोग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लोग यहां पे देखने के लिए, यहां सेल्फी पॉइंट है बहुत शानदार। पहले की जो पुलिया थी वो जलगमन हो चुकी है और अभी जो सेल्फी पॉइंट जो बना रखा है बहुत ही शानदार, ये पुलिया बना रखा है। आप देख सकते हो बनास में बहुत ही तगड़ा वेग है अभी, और बनास के पास कतई नहीं जाए क्योंकि यह बनास काफ़ी खतरनाक बनास है, क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा आने से यहाँ पे नहाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देख सकते हो दोनों स्टार रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए। और फिलहाल हम अभी जा रहे हैं प्रोग्राम में, आज का हमारा भक्ति संध्या कार्यक्रम है मारवाड़ की पुण्य धरा सिरोही। और आप देखना आज रात्रि हमारे YouTube चैनल पर आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। फिलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय मेवाड़, जय भारत। अभी हमारे साथ कुछ यहाँ बागेरी नाका पर्यटक भी आए हैं घूमने, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से हो भैया? शुभ नेम सर? महेंद्र सिंह। क्या बिजनेस है अपना? ट्रांसपोर्ट का। यहाँ का जो नज़ारा है बागेरी का, इस नज़ारे के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही बढ़िया नज़ारा जी, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। पर्यटक स्थल अच्छा है, काफ़ी काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे। अभी थोड़ा आवागमन कम कर रखा क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा है इस हिसाब से। कि आपने कितनी बार यहाँ पे इसकी झरना के नीचे नहाने का आनंद लिया? हमने झरने के इस साल तो हमने लिए नहीं क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा था जी, ताकि पिछली बार बहुत पाँच पचास बार नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, क्या बात है, 550 हम अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। शाम देख सकते हो यहाँ पे आइसक्रीम ठेला भी लगा हुआ है, देसी भुट्टे भी यहाँ के जो लोकल हैं लोग बेच रहे हैं। इसके साथ ही कपल में यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आते हैं झरने के नीचे नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पे झरने के नीचे नहाने पर रोक लगने के बाद यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन रविवार हो या फिर जब छुट्टी हो ना सरकारी, उस दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये जो है उदयपुर वाला रूट है और ये है नाथद्वारा वाला रूट। देख सकते हो ये सेल्फी पॉइंट बहुत ही शानदार सेल्फी पॉइंट है,